जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंस गन यूट्यूब चैनल। जो ग्लॉक 21 जो पिस्टल है वो लॉन्च हो चुकी है। इसके साथ कई लोगों ने जो है सवाल भी उठाना चालू कर दिए हैं। वो सवाल इस तरीके के हैं कि क्या आम लोगों को लाइसेंस मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो ग्लॉक 21 है जो दी गई है वो DGP है तेलंगाना पुलिस के, उनको दी गई है। तो कई लोगों ने सवाल उठाया था जब मैंने वीडियो बनाई थी, क्या आम लोगों को जो ग्लॉक पिस्टल का लाइसेंस मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, क्या 45 बोर जो है वो जो है नॉन प्रोहिबिटेड बोर है या नहीं, और इसका जो एम्यूनिशन है वो यहां बनेगा या नहीं, दूसरा कितनी कॉस्ट रहेगी, तो ये सब कुछ जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरी अंत तक जरूर देखें। लंबे इंतजार के बाद जो ग्लॉक पिस्टल है जिसने जॉइंट वेंचर किया था भारत की CMT के साथ, दोनों ने मिलकर भारत में जो है जनवरी की शुरुआत में जो है ग्लॉक 21 जो पिस्टल थी वो लॉन्च कर दी थी, और ये मिली थी तेलंगाना जो पुलिस के DGP है श्रीनिवासु रेड्डी जी उनको। तो यहीं से लोगों ने सवाल उठाना चालू कर दिया था कि क्या जो है इस तरीके के जो IPS ऑफिसर है उनको ही ग्लॉक का लाइसेंस मिलेगा, क्या आम जनता जो है उनको इतनी आसानी से जो है ग्लॉक का लाइसेंस मिल पाएगा। तो उनका बिल्कुल सही जवाब था कि खुद ही लोगों ने बताया था कि भारत में MLA हुए, MP हुए, IAS, IPS जो अफसर होते हैं इनको बहुत आसानी से लाइसेंस मिल जाता है। वहीं जो आम जनता है उसको जो है लाइसेंस बनवाने में काफी ज्यादा मुश्किलों का और जटिल जो प्रक्रिया है, काफी कॉम्प्लिकेटेड जो प्रोसेस है उसका सामना करना पड़ता है, ये लोगों ने ही खुद ही बताया था, और ये रियलिटी भी है। देखिए ग्लॉक पिस्टल तो आ गई है, जब तक लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया जो है उसको थोड़ा ईज नहीं करेंगे, इजी नहीं बनाएंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। भारत में ग्लॉक के साथ साथ कई अन्य जो कंपनीज हैं वो भी अपने हथियारों को जो है भारत में निर्मित कर रही हैं। अगर ये जो इनके हथियार हैं बिकेंगे नहीं तो ये कंपनियां कैसे कामयाब होंगी, ये एक मेजर क्वेश्चन है। अगर इनके प्रोडक्ट्स हैं, अगर वो खाली सेना और पुलिस तो इतने बड़े नंबर पर खरीद नहीं पाएगी, अगर जनता खरीदेगी तभी इनके जो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे कामयाब हो पाएंगे। उसके लिए जो गवर्नमेंट है उसको जो है लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया है उसको ईजी करना पड़ेगा। अगर सब कुछ सही है, आम जनता के जो डॉक्यूमेंट्स हैं सारा वेरिफिकेशन करने के बाद सही पाती है, तो उनको आसानी से जो है लाइसेंस इशू करने चाहिए, ताकि जो ये कंपनीज हैं ये भी कामयाब हो सके। अदरवाइज ग्लॉक जो कंपनी है वो भी कामयाब नहीं हो पाएगी अगर उनके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट इंडिया में नहीं बिकेंगे। दूसरा सवाल उठाया था लोगों ने कि इसकी कीमत कितनी होगी ग्लॉक पिस्टल्स की इंडिया में, और जो एम्यूनिशन है उसकी क्या कॉस्ट रहेगी। तो देखिए जो ग्लॉक पिस्टल्स हैं कोई वैलिड सोर्स से अभी जो है कॉस्ट इनकी नहीं पता चली है, लेकिन इनकी जो कॉस्ट है वो 3 से 4 लाख के बीच में वेरी करेगी विदाउट GST। इस पर 28% GST और लग सकता है, क्योंकि इनके काफी जो मॉडल्स हैं उनकी जो कीमत है वो भी डिफरेंट रहेगी। दूसरा सवाल उठाया था लोगों ने जो 0.45 जो कैलिबर है इसका जो एम्यूनिशन है वो भारत में नहीं बनता है, इम्पोर्ट होता है, तो उसकी भी कॉस्ट काफी ज्यादा है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन जैसे जैसे इसकी जहां पर डिमांड बढ़ेगी तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी कई कंपनियां प्लान कर रही है। इसमें जो है हमारी बेबले और जो ग्लॉक जो कंपनी है ये भी इनका प्लान कर रही है यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग करने की। वहीं जो एक जो एम्यूनिशन है या कारतूस है 0.45 की, इसकी जो कॉस्ट है अराउंड 500-400 रुपए करीब पड़ती है, लेकिन जिस हिसाब से कस्टमर्स को डील होती है उसी हिसाब से इसकी कॉस्ट कम या ज्यादा भी हो सकती है आपके रीजन में डिमांड के अनुसार। एक और सवाल था लोगों का, क्या 0.45 जो है लीगल है या नहीं भारत में। तो देखिए जो 0.45 जो पिस्टल है ये भारत में लीगल है और बाकायदा नॉन प्रोहिबिटेड बोर में आती है। ये बाकायदा जब ये डिलीवर कर रहे थे श्रीनिवासु जो रेड्डी जी हैं उस पोस्ट में भी बाकायदा इन्होंने मेंशन किया है। तो जो 0.45 जो कैलिबर है ये भारत में जो है लीगल है, यानी नॉन प्रोहिबिटेड बोर में आता है, इसको आप अपने सेल्फ डिफेंस के लिए खरीद सकते हैं, लेकिन लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया थोड़ा जटिल हो। तो अब पूछते हैं आपसे एक क्वेश्चन, क्या जो ग्लॉक पिस्टल्स हैं भारत में कामयाब हो पाएंगी या नहीं, आपको क्या लगता है, आपके अकॉर्डिंग जो है अपना आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।